यहाँ पर आपके बीच कुछ श्रृंगार की बातें लेकर के मैं आई हूँ। बहुत देर से हाथ से आप सुन रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि प्रेम प्यार पर जब ये दुनिया टिकी है तो आप प्रेम प्यार की कुछ बातें जरूर समझेंगे, सुनेंगे, सुनना पसंद करेंगे। काफी सारे मेरे नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और काफी सारे भूतपूर्व नौजवान साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ और चार चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। बीच में ये बीच के मोहल्ले में तो भूतपूर्व नौजवान साथियों पर बात होने लग गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दरअसल हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। अनामिका को ऋषि जी ये बात मालूम नहीं है कि ये दिल्ली और NCR का मामला है और दिल्ली में ये भूतपूर्व जैसी चीज कुछ नहीं होगी। देखिए, ये मेरे बहुत बहुत आदरणीय है और सौरभ जी मैं कहूँ कि ये आदरणीय है, ये मेरे फादरणीय है। मैं एक बात बता दूं, ये बिल्कुल ठीक आप कह रही हो, ये आदरणीय हैं, ये फादरणीय हैं, लेकिन ये विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं समझ नहीं, आप उतने ही तारीफ कर रहे हैं जो बाकी विश्वसनीय नहीं है। मैं एक चीज बहुत देर से नोटिस कर रहा था बहू जी, ये तमाम लोग, हम दोनों ने यहाँ पर काव्य पाठ किया, हम दोनों ने अपनी प्रस्तुतियां आप लोगों के सम्मुख रखी, सब लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन ये जो बीच में आदरणीय बाबू जी बैठे हुए, मैं इनकी नियत को बहुत देर से देख रहा था। हम दोनों ने अपना काव्य पाठ कर लिया, उन्होंने एक बार ताली नहीं बजाई, लेकिन अनामिका ही तो अगले के रुकने के मोड पे नहीं आने को राजी। तो पंक्तियां मुझे आ जाती है, एक एक व्यक्ति की मैं ताली चाहता हूँ इस बात पर कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है। अब एक एक व्यक्ति का मैं चाहता हूँ कि प्रतिक्रिया मंच पे आए कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। ऐसा है सौरभ जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी, यहाँ जितने बुजुर्गों की तरफ से आपने कहा है, आदरणीय खिचड़ी जी भी हमारे बैठे हैं, ये तो काफी सभ्य है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने मतलब बाकी यहाँ कोई विश्वसनीय नहीं है। मैं चार पंक्तियाँ आप सभी को समर्पित करती हूँ, इनको जितने ये बैठे हुए हैं, आदरणीय खिचड़ी जी सुनिएगा कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की भजन कीजिए, ये उम्र है भजन की भजन कीजिए। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इस बात पर, मतलब मैं अंकुश लगाना चाहता हूँ और लगे आप लोगों को कि अंकुश सार्थक है, तब आप लोग समर्थन में अपनी मुस्तक तालियां पहुंचाना कि हम बंधे तो ये झंकार फिर किस लिए। उनको मना करने का कोई लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता कि हम बंधे तो झंकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांधकर हम ना देखें इन्हें तो ये सजावट की श्रृंगार फिर किस लिए। देखिए सौरभ जी, ऐसा है, मैं आपको एक नसीहत देती हूँ, सुनिएगा कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना, ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। मैं बिल्कुल अंतिम एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल विराम लूंगा और अनामिका जैसा चाहती है वो आप तक बात पहुंचाए। इनका मानना ये है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कुछ ना करे, अगर आप पूरा जीवन किनारे पे बैठ के निकाल दें, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, अब पहुंच जाए तब समर्थन मांगता हूँ, उसके बाद मैं पूर्णतः मौन कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। आदरणीय पीछे सरदार साहब बैठे हैं, मैं उनकी विशेष तालियां चाहता हूँ। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि आप मैडम के साथ आए, और आजकल स्थितियां ये हैं सरदारों की कि वो मैडम से पूछ कर ही बजाते, मैडम बजा दूं क्या।
तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूँ एक एक व्यक्ति की तालियां कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता, हमें है डूबना मंजूर दरिया में इसी खातिर बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। बिना डूबे बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आदरणीय को जाना घर ही है, ये यहाँ पे कुछ भी कह लें, जब ये घर जाएंगे तब मैं देख ही लूंगी। मैं यही कहूंगी सौरभ जी की तहजीब मिल के रहने की ही फकत आंगन सिखाएगा, तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है लौट कर घर ही आओगे, कह लो जितना कहना है लौट कर घर ही आओगे, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन।